Hey guys, welcome back to my channel and welcome to the episode 3 of my Leh Diaries. Today we are going to explore Leh to Nubra and this journey is so damn beautiful. Mujhe pata hai aap logo ko zarur bahut bahut maza aane wala hai. So let's get started without any further ado and mera episode number 2 zarur dekh lena is video ko dekhne se pehle. So humne hamari journey ki subah 10 baje se shuru and uske baad hum nikle and humne apne permits liye. Most important thing that you need a permit when you crossing Khardugla Nubra Valley, जब भी आपको यहाँ कहीं जाना है तो आपको एक permit लेना होता है ले में आके, that cost around 600 per person, तो वो आप ज़रूर ले लें and वो permit आपकी जगह जगह कई जगहों पर check होते हैं. पहला point आता है South Pulu, जहाँ पर ये check होता है, तो आपके permits आपके पास ज़रूर होने चाहिए. And this is the first point जहाँ पर हम रुके थे and यहाँ से आप काफ़ी अच्छी pictures ले सकते हो and बहुत ही अच्छा area है. Also यहाँ से Nubra is like 160 kilometers, तो total like 5 to 6 hours की journey रहती है. 5 to 6 hours में इसलिए कह रही हूँ कि हमें पता है कि हम लोग कई कई जगह रुकेंगे, वी गोना क्लिक गुड पिक्चर्स एंड हैव फन. सो 5 से 6 घंटे आप लेके चल सकते हो. I don't have much to say guys, in this video I just want you people to enjoy this view because मैंने अपनी आंखों से देखा था, ऐसा लग रहा था that I am just watching a movie or something, क्योंकि जो view था it's like so gorgeous. परमिट एक बार चेक हो रहे हैं, इसके बाद वी आर गोइंग टू खारदुंगला जो कि यहाँ से काफी कम रह गया है. एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल रोड आई हैव एवर सीन. आई एम कम्प्लीटली इन लव विद दिस. एज यू कैन सी द व्यू बिहाइंड मी, यहाँ से सारा स्नो एरिया शुरू हो चुका है. आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर. ज़्यादा स्नो है, जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचते जा रहे हैं खारदुंगला के पास स्नो उतनी ही बढ़ती जा रही है. एंड दिस व्यू इज़ वाओ, आई डोंट हैव वर्ड्स, आई जस्ट वांट यू गाइस टू एंजॉय इट. सो हैव फन. Look at the view behind me. I can't believe my eyes. I could stay like this forever following you. Top hill pe. And this is at the altitude of 17,900. And I'm really feeling really cold. So I'm finally at Khardungla top. Oh my god. So guys, we have reached Khardungla bike ride and really proud to have a member of bike riding here. Abhi mera haath bhi kuch zyada jam chuka hai, I'm having a good cup of tea here. That is much needed to me. इस पॉइंट में मैगी ने मुझे बचा लिया था. सीरियसली इट्स सो फ्रीजिंग आउट हियर. मैगी खाने के बाद हम लोग आगे निकले एंड अब हमारी जर्नी जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है एंड ऐसा मुझे लग रहा था, बट इसके बाद भी जर्नी काफ़ी लंबी थी एंड धीरे धीरे हम टॉप से नीचे उतरने वाले थे एंड स्लिपरी इतना ज़्यादा था रोड, बट हम नीचे पहुँचे एंड इसके बाद हम एक जगह रुके टू लाइक हैव आर लंच. Thank you.
इस जगह का नाम है खलसर, जहाँ हम खाना खाने के लिए रुके हैं। यहाँ से डिस्किट जो अब रह गया है 25 और 20 किलोमीटर्स के अराउंड, एंड डिस्किट से नूबरा वैली इज़ अराउंड 10 और 15 किलोमीटर्स। तो बहुत ही कम जर्नी अब रह गई है हमारी। एंड दी ब्यूटिफुल माउंटेन्स आर लाइक ब्रेथ टेकिंग। एंड नूबरा कंप्राइजेज ऑफ टू वैलीज, दैट इज़ वन इज़ नूबरा एंड अनदर वन इज़ शायोक। सो शायोक रिवर मीट्स नूबरा और यू कैन से सियाचिन रिवर टू फॉर्म अ लार्ज वैली दैट सेपरेट्स लद्दाख एंड काराकोरम रेंजेस। सो दैट्स व्हाट आई गॉट टू नो। एंड ये भी सुनने में आया है कि देयर वॉज लाइक मच ट्रेड पासिंग थ्रू दिस एरिया विद वेस्टर्न चाइना एंड सेंट्रल एशिया। तो ये ट्रेडिंग रूट भी रह चुका है। नूबरा वैली इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस इन दीज lying in this great Himalayas. So Nubra Valley is like one of the last treasures of our planet, living in the like sheer isolation for the most of the year in the heart of great Himalayas. So I'm really, really happy to be here. You can also do river rafting. आपको रास्ते में ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ आपको दिखेगा आप रिवर राफ्टिंग करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम नीचे पहुँचते जा रहे हैं रिवर एकदम साथ में फ्लो कर रही है। काफ़ी ऑप्शंस थे वहाँ पे आपको रिवर राफ्टिंग करने के लिए भी। एंड एज यू प्रोसीड फर्दर यू विल कम अक्रॉस नॉट जस्ट द ब्यूटिफुल लाइक सीनिक व्यूज बट ऑल्सो द हाइएस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इन हुंदर, लाइक ऑल्सो फेमस फॉर इट्स बैक्टेरियन कैमल राइड्स। So bacterium camels are like the rarest sorts, having like two humps and were the major source of transportation in the Silk Route, and they are like so wonderful. So I'm really waiting for it. फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने दी नूबरा कैंप में इन द नूबरा वैली, एंड दिस इज़ लाइक द बेस्ट प्लेस आई कैन विश फॉर। लाइक आई एम रियली वांट टू थैंक ट्रैवल मेट्स फॉर गिविंग अस दिस स्टे। आई एम लविंग इट। लुक एट द स्काई एंड लुक एट दिस व्यू। आई कैन स्टे लाइक दिस फॉरएवर फॉलोइंग यू। Just don't get too far, and I'll be right where you are. The one thing that I could see. And this is Bundar, and आज हम यहाँ रुकने वाले हैं। यहाँ कैंप में हम रुक रहे हैं, जिस कैंप का नाम है दी नूबरा कैंप। I think it's very great, बहुत अच्छा experience है। आज हम कैंपिंग करने वाले हैं रात को, और कल हम बैंगलोर में स्टे करेंगे। तो ये एंट्री है, एंड लेट्स गो इनसाइड। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, लुक एट दिस रूम। लग ही नहीं रहा है कि हम कोई कैंपिंग में आए, लाइक एक होटल रूम का पूरा फील आ रहा है। बेडिंग कितनी अच्छी हो रखी है, इट्स वेरी नाइस। एंड ये अंदर वॉशरूम है, आई शो यू द वॉशरूम।
कैमल राइड. सो मच फन, बहुत यार. अभी अभी मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला है कि जिसको मैं राइड कर रही हूँ उसका नाम है पप्पू, और जिसको आगे मेरे साथ जो है वो राइड कर रहा है उसका नाम है कला. सो पप्पू एंड कला राइडिंग टुगेदर. वी आर हैविंग सो मच फन. Because I want कि हम टाइम पर वहाँ पहुँचे और टाइम से वहाँ से वापस भी आए. सो वी हैव टू लीव एंड द मॉर्निंग व्यू इज सो ब्यूटिफुल. हम पहुंच चुके हैं बिस्किट मोनेस्ट्री. अभी हम पैंगोंग के लिए निकल चुके हैं तो पहला स्टॉप हमारे यहाँ बिस्किट मोनेस्ट्री हुआ है. सो आई थिंक यहाँ से जो व्यू है दैट्स सो ब्यूटीफुल. आई शो यू एंड यू कैन सी दिस स्टैचू बिहाइंड मी. So now this comes to the end of my journey. Thank you for watching my video and this comes to the end of episode 3. And now wait for the episode 4, jo ki mera last episode hai, a trip to Pangong Lake, because wo to bahut hi zaruri hai, they must watch. So don't forget to subscribe to my channel and give my video thumbs up.